am neonatologist and pediatrician at Mangalam Plus Megacity Hospital. Excessive crying in a baby is very common presentation for what parents visit pediatrician in hospitals. एक न्यूबॉर्न लगभग 2 से 3 घंटे नॉर्मली क्राई करता है एक दिन में. जब भी आपको लगे कि बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा क्राई कर रहा है, लगातार हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा ऐसा हो रहा है और ऐसे 3 हफ्ते तक लगातार हो रहा है, तो हम बच्चे को इवनिंग कोलिक की श्रेणी में डालते हैं. एक इवनिंग कोलिक इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट लाइक एक्सेसिव क्राइंग ओनली. इसके अलावा बाकी और बहुत सारे कारण जिसकी वजह से बच्चा रोता है, पर एक ऑर्गेनिक कॉज जो बीमारी होती है वो लगभग 5% से भी कम बच्चों में पाई जाती है. तो इसीलिए हमें जब भी बच्चा रोता है, आपको लगता है कि उसके क्यूज देखने हैं कि बच्चा अब रोने की या अनकंफर्टेबल है, तो हमें वो क्यूज से आइडेंटिफाई करना है और हमें अर्ली ही मैनेज करना है उसको. उतना आगे तक रोने से हम उसको बचाएंगे. जैसे कि हमें लगता है बच्चा स्टार्ट कर रहा है रोना, तो हम उसमें उस टाइम पर उसको देखेंगे कि बच्चा भूखा तो नहीं है, उसको फीड तो नहीं चाहिए, वी नीड टू ब्रेस्ट फीड एट दैट टाइम, या फिर बच्चा अनकम्फर्टेबल तो नहीं है, एग्जॉस्टेड तो नहीं है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप, तो हम उसको स्विश करेंगे, स्वेडल करेंगे, उसको कम्फर्ट करके उसको सुलाने की कोशिश करेंगे. इसके बाद अगर बच्चे के वेट नैपीज हैं या डायपर्स हैं, बच्चे को ठंड लग रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस केस में बच्चा रोता है, तो हमें सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है. इसके अलावा जैसे पैरेंटल डिप्रेशन हुआ, पैरेंटल एग्जॉशन हुआ, उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है. अगर एक मदर ही है जो पूरे टाइम बच्चे को ध्यान रख रही है, उसको 10 से 8 बार उसको दिन में बच्चे को दूध पिलाना होता है, शी विल बी एग्जॉस्टेड. बच्चा अगर दिन में ज़्यादा सोता है, बच्चा रात में आपका दिन में जग रहा है, जगे और रात में सोए, हमें इस तरह से बच्चे की दिनचर्या में बदलाव करना है, जिससे कि मदर और फादर दोनों की शेड्यूल में डिस्क्रिपेंसी ना हो. जैसे कि बच्चा अगर दिन में ज़्यादा सोएगा और रात में जगेगा, तो बाय द टाइम ऑफ इवनिंग मदर विल बी एग्जॉस्टेड, पेरेंट्स विल बी एग्जॉस्टेड, एंड देर विल बी इरिटेबिलिटी इन पेरेंट्स, देर इज फजीनेस इन द किड्स बाय द इवनिंग आवर्स. दैट्स अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ एक्सेसिव क्राई दैट यूजुअली हैपन बाय द इवनिंग एंड लेट नाइट टाइम. और उसके अलावा जैसे बच्चों में एक्सेसिव क्राई जब होता है, तो हमें डॉक्टर्स को कब दिखाना है, तो उस केस में जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, रोते रोते अचानक चुप हो जाता है, बच्चे ने बहुत देर से यूरिन पास नहीं किया है, बच्चा फीड नहीं ले रहा है, और बच्चे के आपको लगता है कि उसको अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या बच्चा किसी भी तरह से कंसोल नहीं होता है, इन दैट केस यू हैव टू विजिट पीडियाट्रिशियन इन द हॉस्पिटल.